सो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में. सो इस फाइनेंशियल रेशियोज सीरीज़ में हम पहले तीन और इम्पॉर्टेंट रेशियो कवर कर चुके हैं, डेट टू इक्विटी, आरओई और डिविडेंड यील्ड. उसके बारे में आप हमारी पहली तीन वीडियोज़ में देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेशियो पे मूव करते हैं, पीई रेशियो. इट्स ऑल्सो अ वैल्यूएशन रेशियो, द मोस्ट वाइडली यूज रेशियो. आपने कई बार पीई रेशियो हर जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, उसके बारे में बातें करते हैं अब. सो पीई रेशियो इज कैलकुलेटेड एज प्राइस ऑफ अ स्टॉक डिवाइड बाई इट्स अर्निंग्स पर शेयर. सो इट्स अ वेरी सिंपल, एज जो उसके नाम में भी है, पीई रेशियो. क्विक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाएं तो, अगर किसी कंपनी का प्राइस अभी 10 रुपीज़ है और उसकी अर्निंग्स, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स 1 रुपी हैं पर शेयर, एंड आप उसको अभी खरीदते हैं, तो मतलब आप उस 1 रुपी अर्निंग्स को, मे बी टू गेट दैट 1 रुपी अर्निंग्स इन द फ्यूचर, आप 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं. सो द पी बाई ई बिकम्स 10/1, विच इज़ 10 रुपीज़. आपको ये जानना जरूरी है कि अलग अलग कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज का, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, अगेन कई तरीके से पी होता है, वेरी करता है. सो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि, अगेन जैसे हमने आपको लास्ट डिविडेंड यील्ड रेशियो में समझाया था, कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो डिविडेंड यील्ड किस तरीके से ऑन अ डेली बेसिस चेंज होती है. सिमिलरली पी रेशियो में भी प्राइस इज़ अ फैक्टर इन न्यूमरेटर. तो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा कंपनी का, तो उसका पी रेशियो भी काफ़ी चेंज करेगा ऑन अ डेली बेसिस. द नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे साइक्लिकल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इनका पी जनरली लोअर साइड होता है एज़ कम्पेयर टू कंपनीज लाइक FMCG कंपनीज या IT कंपनीज, इनका पी हाई साइड होता है. तो वाई इज़ दिस? तो द रीज़न हियर इज़ कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनको काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ किसी कंपनी में पोटेंशियल लगता है, कि इस कंपनी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का फ्यूचर में, तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी को ज़्यादा, उस कंपनी को, उस कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए ज़्यादा पे करने को भी तैयार होते हैं. तो एग्जाम्पल, अगर कोई FMCG कंपनी है और आपको लगता है कि उसका अर्निंग्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा भी पे करने को तैयार होंगे. तो इसका अगर आपको अभी रीसेंट एग्जांपल्स से समझाएं तो, एवेन्यू सुपर मार्ट्स का पी बहुत हाई चलता है, इंडिया मार्ट हो गया, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स का पी बहुत है, ये काफ़ी हाई पी कंपनीज हैं. देन देयर आर सम कंपनीज जिनका पी काफ़ी लोअर साइड चलता है, लाइक 5 या 10 की रेंज में. सो इसका मतलब है कि उन इंडस्ट्रीज या उन कंपनी से इन्वेस्टर्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है ग्रो करने की फ्यूचर में, तो इसलिए वो ज़्यादा विलिंग नहीं होते ज़्यादा उसके स्टॉक्स को खरीदने के लिए. एंड हेंस द नेम कॉल्ड वैल्यू स्टॉक्स, कि उनका प्राइस हमेशा ऑलमोस्ट कम रहता है, इसलिए पी ऑल्सो इन द रेंज ऑफ लेस देन 10 और अराउंड 15 या 5. सो यहाँ पे जैसे हमने इंडस्ट्रीज की बात करी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पी रेशियो को एक इंडस्ट्री में कंपेयर करें, आपको बेटर पिक्चर मिलेगी. तो फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज पी इज़ अराउंड 39, द होल इंडस्ट्री. देन बैंक्स मोस्टली द पी इज़ अराउंड 50. देन टेलीकॉम इंडस्ट्री विच इज़ लाइक लॉस मेकिंग कंपनी आर देयर मोस्टली, सो उसमें अराउंड पी नेगेटिव होता है, बिकॉज अगर आप अर्निंग्स ही नेगेटिव हैं तो पी रेशियो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा. तो उसका अराउंड -40 चल रहा है पूरी इंडस्ट्री का. एंड पी रेशियो आप इंडस्ट्रीज कंपनीज का ही नहीं, आप पूरी लाइक इकोनॉमी का भी अगर आपको मेजर करना है, तो निफ्टी 50 इज़ अ इंडेक्स विच मेजर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, उसका पी रेशियो इज़ अराउंड 26. सो दिस तरीके से मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ का पी वेरी कर रहा है, उसको आप बेंचमार्क के थ्रू इकोनॉमी से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो एक इंडस्ट्री, एक कंपनी का पी रेशियो आप उसके इंडस्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हैं, आप उस इकोनॉमी के बेंचमार्क लाइक निफ्टी 50 से भी यूज़ कर सकते हैं. तो इट्स अ वैल्यूएशन रेशियो फाइनली, विच टेल्स यू के हाउ मच अर्निंग्स पोटेंशियल डज द कंपनी हैव, हाउ मच इन्वेस्टर्स थिंक द कंपनी कैन ग्रो. सो आज हमने बात करी पीई रेशियो की. इस फाइनेंशियल रेशियोज वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री कैश फ्लो टू सेल्स रेशियो के बारे में बात करेंगे. सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए.